वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है मेटेलिक मिनरल्स की दूसरी कैटेगरी को, जो कि है नॉन फेरस मिनरल्स। दोस्तों, नॉन फेरस मिनरल्स ये वो मिनरल्स हैं जिनमें आयरन का कंटेंट नहीं होता। इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, बॉक्साइट, इनफैक्ट गोल्ड। इन सारे मिनरल्स में आयरन नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज इनके इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझने के लिए और नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में सब कुछ जानने के लिए आज हम इनके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपर के बारे में। दोस्तों, कॉपर असल में अपनी कुछ खास प्रॉपर्टीज की वजह से जाना जाता है। दरअसल हम कॉपर को बीट करके उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम इजिली यूज कर सकते हैं, यानी कि ये मेलिएबल है। इसके अलावा कॉपर डक्टाइल भी है, यानी कि हम इसे बीट करके, इसे प्रोसेस करके इसे पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन, इन्हें हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, यानी इससे करंट बहुत आसानी से पास करता है, बहुत आसानी से ट्रेवल करता है। और कॉपर की इन सारी खास प्रॉपर्टीज की वजह से ही इसे जाना जाता है और इसे बहुत सारी डिफरेंट चीजों में यूज किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वायर्स में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, अब आपके पास जो मोबाइल फोन्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, या फिर आपके घर में जो टीवी लगा है। इसके अलावा आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए जितनी भी वायर्स लगी हैं, सब में कॉपर का यूज तो हुआ ही है। आप बहुत हैरान होंगे इस बात को जान के कि आज से सालों पहले तो कॉपर के कॉइन्स करेंसी के तौर पर यूज किए जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कॉपर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में कॉपर जैसे इम्पोर्टेंट नॉन फेरस मिनरल की थोड़ी कमी है। ये लिमिटेड रीजन्स में पाया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश की बालाघाट माइंस में और राजस्थान की खेतरी माइंस। आप इस मैप में देख सकते हैं कि हमने इन्हें कैसे लोकेट किया है। तो दोस्तों, आप यहां से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कॉपर कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी इंडिया में थोड़ी कमी है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे मेटल की, दूसरे नॉन फेरस मिनरल की, जो कि है बॉक्साइट। दोस्तों, बॉक्साइट असल में एक ऐसा मिनरल है जो सरफेस रॉक्स के डीकम्पोस्ट होने की वजह से बनता है। सरफेस रॉक्स जब धूप और बारिश की वजह से खराब होते हैं तो वो एक क्ले जैसा सब्सटेंस बना देते हैं, जो कि है बॉक्साइट। और बॉक्साइट को प्रोसेस करके इससे पहले एल्यूमिनिया और उसके बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है। और एल्यूमिनियम के यूजेस से तो हम में से कोई भी अनजान नहीं है। किचन के यूटेंसिल्स, हमारे घरों की विंडो के जो फ्रेम्स हैं, इनफैक्ट एरोप्लेन के बहुत से पार्ट्स में एल्यूमिनियम काफी ज्यादा यूज होता है। और दोस्तों, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज भी कुछ कुछ कॉपर जैसी ही हैं। दरअसल ये भी लाइट वेट होता है और ये मेलिएबल भी है, यानी कि इसे प्रोसेस करके, इसे बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, उड़ीसा एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में और मध्य प्रदेश के कटनी में, यहाँ पर हमारे पास बॉक्साइट के ओर्स हैं जहां से हमें एल्यूमिनियम मिलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है नॉन फेरस मिनरल्स को और साथ ही हमारा कवर हो गया है मेटेलिक मिनरल्स का टॉपिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और मिनरल क्लासिफिकेशन लिस्ट में बात करेंगे सेकेंड कैटेगरी की, जो की है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।